अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी जरीना जरीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मट्टी की हंडिया में खाना बनाने के से पहले एहतियाती तरकीब बनाने की रेसिपी। हमने ये ऑयल लगा दिया है इस तरह से रुई के साथ, अब हम इसमें खाना बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मट्टी की हंडिया में खाना बनाने से पहले की कुछ तस्वीरें। मट्टी की हंडिया है हमने ली है, बिल्कुल न्यू है ये, इसे कहते हैं कोरी हंडिया। घुमा कर दिखा दूँ मैं आपको, अभी तक हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया। जब भी आप मट्टी की हंडिया खरीदें, इस तरह से इसे नाखून के साथ बजा कर देखें, अगर इसकी आवाज़ फटी फटी सी आए तो समझे ये टूटी हुई है। बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर आवाज़ आए ऐसी तो फिर ये बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम नीम गर्म हमने ये पानी किया है, इस तरह उंगली डालकर देख लें आप, बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। इसे हम नीम गर्म पानी से फुल भर देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। हंडिया को हमने फुल भर लिया है पानी से, थोड़ा सा और डालेंगे हम इसका जो कैप है ताकि वो भी इसमें भीग जाए, और इसको इस तरह से ऊपर से भी पानी को फुल तैरा देंगे। 2 से 3-4 घंटे जितना भी ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपकी हांडी मजबूत होगी। हंडिया में हमने पानी भर कर रख दिया था, आप देख सकते हैं ऊपर भी पानी था इसके, वो सारा पानी खुश्क हो चुका है। हंडिया का पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका है, 2 से 2.5-3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इस पानी को निकाल देंगे, हंडिया को खाली कर देंगे। हंडिया को हमने खाली कर दिया है, कुछ देर के लिए हम उल्टी करके रख देंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको और मज़बूत सेहतमंद बनाने के लिए हम लेंगे सरसों का ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून, और इसमें नमक ले लेंगे 1 टीस्पून। नमक को हम तेल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इससे हमारी हांडी बहुत ही मज़बूत हो जाएगी और क्रैक भी नहीं होगी जब हम चूल्हे पर रखेंगे। हांडी को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। मट्टी की हांडी में खाना बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है इसमें से, और खाना पकाने के बाद कम अज़ कम 2 घंटे तक खाना दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत देर तक इसमें खाना गर्म रहता है। सर्दियों में भी 1-1.5 घंटा गर्म रहता है, गर्मियों में तो सुबह बनाएंगे तो शाम तक गर्म मिलेगा आपको खाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर हमारा पेज फॉलो, लाइक और शेयर करें। अब हम रुई के साथ या किसी कतरन के साथ ये ऑयल हांडी के अंदर बाहर अच्छी तरह से लगा देंगे। तेल लगाने के 10 मिनट बाद आप इसमें खाना बना सकते हैं। हंडिया को हमने सीधी कर लिया है, माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क हो चुकी है ये। अब हम इसमें रुई लगाएंगे तेल में इस तरह से, और हंडिया के अंदर अच्छी तरह से इस तरह ऑयल डस्ट कर देंगे अंदर बाहर किनारों पर। खूब रुई भर भर कर हम तेल लगाएंगे। अब हम किनारों पे लगाएंगे इस तरह से ऊपर तक। अब हम दोबारा हंडिया को उल्टी करके रख देंगे ताकि बाहर भी लगा सकें। पहले यहाँ से शुरू करेंगे लगाना। अब हम इसकी नीचे वाली साइड भी अच्छी तरह से ऑयल में तर कर देंगे। मट्टी की हंडिया को इस्तेमाल करने की हमारी ये तरकीब अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे रख देंगे, जब आप चाहें खाना बना सकते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट बाद, इतना आप रेस्ट दे सकते हैं दे सकें। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। इस तरह से हम मट्टी की हंडिया में ऑयल लगाकर रखेंगे, हमारी हंडिया बहुत दिन चलेगी। जैसे कि
इसमें क्रैकिंग आ जाती है, तीट जाती है ये, तो वैसे नहीं होगी, ये बहुत मजबूत हो जाएगी ऑयल लगाने से और नॉर्मल पानी डालने के बाद हमने ये रखी है। आप जब भी इस मिट्टी की हंडिया में खाना बनाएं उससे 10 मिनट पहले इसी तरह 2-3 चम्मच सरसों का तेल और 1/2 टीस्पून नमक मिक्स करके लगा कर रख दें, तो इंशाल्लाह आपकी ये हंडिया कभी भी क्रैक नहीं होगी और ना ही टूटेगी, ये बहुत मजबूत रहेगी और काफ़ी साल चल सकती है।